गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स में क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप फ्रॉम वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। इन लास्ट चैप्टर हमने इन्ग्रीडियंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो किन किन चीज़ों से वो मिलकर बनते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें या तो प्लांट से या तो एनिमल्स से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, जिनकी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी जिन्हें यूज़ करती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, उनके नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा हमारे फूड में फाइबर्स होता है, डाइट्री फाइबर्स होता है और वाटर होता है। ये दोनों भी, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों भी हमारे फूड में और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? जितने भी न्यूट्रिएंट्स के नाम हमने ऊपर पढ़े, फाइबर और वाटर, क्या सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? इसे जानने के लिए हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स या मेथड्स कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि कुक्ड फूड में या फिर रॉ फूड में, जो कच्चा खाना होता है, क्या उसमें ये जो इन न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए कर सकते हैं और फैट्स के लिए कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं मिनरल और विटामिन्स वाले, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कम चीज़ों से नहीं हो सकते हैं। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑल अवर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर अलग अलग टेस्ट दिए हैं एक्टिविटी के रूप में जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से कई टेस्ट ऐसे हैं जिनके लिए घर में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं और आप नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इनको रीड करेंगे और जहाँ लगेगा कि आप इसको घर में कर सकते हैं वो आपको घर में करने के लिए बताया जाएगा। इन टेस्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए जो घर में प्रेजेंट नहीं होता है, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए। टेस्ट ट्यूब कांच के बने हुए ट्यूब्स होते हैं। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इसके लिए आप कुछ पका हुआ खाना भी ले सकते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, ब्रेड, या फिर कुछ कच्ची चीज़ें भी ले सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस। यहाँ पीछे के पेज पर एक टेबल दिया है जिसमें कुछ फूड आइटम्स के नाम हैं जिनको आप ले सकते हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. आप किसी भी दूसरी चीज़ के साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट को, क्योंकि ये चीज़ें घर पर नहीं पाई जाती हैं, तो करने की कोशिश नहीं करेंगे। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो टेस्ट करेंगे उसमें अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं तो होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली स्टार्च या शुगर के रूप में होता है, तो हम स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। पका हुआ चावल या रोटी या फिर कच्चा गेहूं या चावल, कुछ भी हम इसके लिए ले सकते हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। इसके ऊपर पतला करके आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और देखेंगे कि क्या इसके कलर में कोई चेंज हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक?
अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है इसका मतलब कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर ये अपना कलर नहीं बदलता है इसका मतलब कि उस फूड के अंदर स्टार्च नहीं है। इसी तरह से प्रोटीन के लिए टेस्ट होता है, इसके लिए भी हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे और उसके ऊपर अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट बना लेंगे या उसको पीस लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके ऊपर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालेंगे और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डालेंगे। टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से शेक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद जब देखेंगे कि क्या टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन था वो वायलेट कलर का हो जाता है। अगर वायलेट कलर का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वो अपना कलर चेंज नहीं करता है या वायलेट नहीं होता है इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन नहीं है। अब थर्ड टेस्ट जो है वो फैट्स की प्रेजेंस पता लगाने के लिए होता है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ा सा फूड आइटम लीजिए, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसको एक थोड़े से कागज़ के टुकड़े में रखिए और क्रश करके देखिए, मतलब उसको ऐसे पीस दीजिए, दबा दीजिए कागज़ में। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टेयर, बस कागज़ नहीं फटना चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप पेपर को सीधा करके उसको ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई ऑयली पैच, ऐसा दाल तेल का धब्बा सा दिखाई देता है, और फिर उस पेपर को आप लाइट की तरफ करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर उसमें पैच है, उसमें तेल का निशान दिखाई दे रहा है तो मीन्स उस फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट हैं, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फैट प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों के लिए इन फूड आइटम्स में टेस्टिंग्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, और ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।